माय किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुड़ की खीर। उसके लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, ये गर्म किया हुआ दूध है। मलाई उतार ली है इससे, आप मलाई स्मेथ भी ले सकते हैं। पहले दूध को उबाल लेंगे, उसके बाद चावल डालेंगे। गुड़ के चावल बनाने के लिए मैंने ये 1 कटोरी गुड़ लिया है और ये 1 कटोरी चावल लिए है। ये बाउल भर के लिया है मैंने और इसको धो के पानी में भिगो दिया है। करीब 20 मिनट हो चुके हैं भिगोए हुए। और दूध उबलने के बाद ये पानी निकाल के और दूसरे पानी में, साफ पानी में धो के फिर दूध में मिलाएंगे। दूध उबल गया है, फ्लेम को स्लो कर देंगे ताकि दूध बाहर ना निकले पतीले से। और अब मिला देंगे चावल और एक बार दूध को चला देंगे ताकि चावल एक दूसरे के चिपके ना। और फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। एक बार चावल डालने के बाद दूध को उबालेंगे, उसके बाद फिर स्लो फ्लेम पर खीर पकाएंगे। इस तरह से हिलाते रहना है। तीन चार मिनट में चलाते रहना है। दूध में उफान आ गया है। अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे खीर को। और ढकना बिल्कुल नहीं है, अगर ढक दिया तो दूध निकल जाएगा। आप जाली ढक सकते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से चलाते रहना है जिससे बर्तन की तली में ना लगे चावल। और मैं ये जाली ढक रही हूँ। खीर को दूसरे चूल्हे पे रख देते हैं। इस पर हम गुड़ को तैयार कर लेते हैं। पतीला ले लिया है और गुड़ को मैंने डाल दिया है पतीले में और आधी कटोरी पानी लिया है। ज्यादा पानी नहीं लेना है, अगर ज्यादा पानी लेंगे तो खीर पतली हो जाएगी। जब हम खीर में मिलाएंगे ना गुड़ के पानी को, तो ज्यादा पानी डालेंगे वो पतली हो जाएगी। थोड़े पानी में ही पिघलाएंगे गुड़ को। ये देखिए गुड़ पिघल गया है, बस इतना ही गर्म करना है हमें। गैस को बंद कर देंगे और गुड़ को ठंडा होने देंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से खीर पक रही है। इसी तरह से पकाना है हमें और चलाते रहना, बीच बीच में छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिया तो कढ़ाई बर्तन की तली में लग जाएगी खीर और स्मेल हो जाएगी, फिर वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए गाढ़ी हो गई है खीर। ये देखिए अभी बनने ही वाली है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। और जब इस स्टेज पर आ जाए पकते हुए खीर तो छोड़ना नहीं है। इस वक्त ज्यादा चांस होते हैं बर्तन की तली में लगने के। चलाते रहेंगे 3-4 मिनट के बाद, संभालते रहना है और चलाते रहना है। ये देखिए खीर बनकर तैयार है। दूध और चावल का घी मिल गया है, अब पककर तैयार है। गैस को कर देते हैं बंद और ठंडा होने देंगे। ठंडा करने के लिए हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। मैं इसी बाउल में निकाल रही हूँ ताकि जल्दी ठंडी हो जाए खीर। ये देखिए चावल के भी 2-3 दिन टुकड़े हो गए हैं, अच्छे से पक चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ना पतली है और ना ज्यादा गाढ़ी, इसी तरह की खीर होनी चाहिए। अब हम इस खीर को ठंडा होने के लिए रख देते हैं और ठंडा होने के बाद ही गुड़ को मिलाएंगे। अगर गर्म खीर में गुड़ मिला दी तो दूध फटने का डर रहता है और दूध फट ही जाता है, तो इसलिए ठंडा होने के बाद ही मिलाएंगे। ये देखिए खीर ठंडी हो गई है, अब हम गुड़ मिलाएंगे। जो हमने गुड़ गर्म किया था ना उसको छान के ही डालना है, बिना छाने मत डालना, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर कोई कचरा है छिलका वगैरह तो छलनी में रह जाएगा, खीर में नहीं मिलेगा। मिक्स कर देंगे। गुड़ डलने के बाद थोड़ी सी लिक्विड हो गई है खीर, इसीलिए हमने ज्यादा पानी में गुड़ को नहीं उबाला था। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। खीर का कलर गुड़ पर डिपेंड करता है, अगर गुड़ का कलर थोड़ा डार्क है तो खीर का कलर भी डार्क होगा और अगर थोड़ा लाइट है तो लाइट ही कलर रहेगा, क्योंकि मैंने जो गुड़ डाला है उसका कलर लाइट था, तो इस खीर का भी कलर लाइट ही है। ये देखिए तो थोड़ी सी लिक्विड हुई है, बिल्कुल परफेक्ट खीर बनी है। अब हम गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, थोड़ी सी डालेंगे किशमिश। अब खीर खाने के लिए तैयार है, अब आप सर्व कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो। एक बार जरूर ट्राई करें, अपने बच्चों को खिलाएं खीर बनाकर। और गुड़ की खीर को सर्दियों में बनाया जाता है ज्यादातर, तो आप जरूर ट्राई करें।